प्रेजेंटेड बाय केआर फिल्म साहिबगंज। हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं दीपक राजारियन और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल के आर फिल्म्स भोजपुरी में। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को न्यूंडो और क्यूबेस के सॉफ्टवेयर्स के बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और ये स्टार्ट से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, शुरू से शुरू करने वाला हूँ। और क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडियो वाले हैं जो कि हर एक इक्विपमेंट का जो भी है प्रोसेस तो वो पूरा कर लेते हैं, वो किसी मार्केट से या किसी शॉप से या ऑनलाइन थ्रू किसी भी किसी तरह कर लेते हैं। बट यहाँ पे जो मेन जो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे ऐसे नए नए स्टूडियो वाले हैं जो स्टूडियो ओपन करते हैं या फिर करना चाहते हैं या करने वाले होते हैं, तो उनका सबसे बड़ी दिक्कतें आती है यहाँ पे सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं जितने भी स्टूडियोज़ में भोजपुरी सॉन्ग के रिकॉर्डिंग के लिए, तो वो बेसिकली क्यूबेस और न्यूंडो 4 पे ही होता है जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। ताकि मैंने जितने भी स्टूडियो में देखा है सभी जगह न्यूंडो 4 और क्यूबेस ही होता है। तो और आज के इस वीडियो में बात करने वाला है इसके सेटअप के बारे में, किस तरह से विंडोज़ का या फिर क्यूबेस का हम लोग सेटअप को इंस्टॉल करेंगे और किस तरह से वेब प्लगइन्स को ऐड करेंगे, और उसे भी किस तरह से हम लोग जो VST प्लगइन्स होते हैं जिसे वेब प्लगइन्स बोलते हैं, तो उसे उसका क्या प्रोसेसिंग है इंस्टॉल करने का, और उससे हम लोग क्या उससे प्रॉफिट है, और कहाँ से उसे हम लोग डाउनलोड करते हैं और किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, तो वो सभी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज का जो ये वीडियो है ये आप लोगों के जितने भी स्टूडियो वाले भाई हैं या फिर स्टूडियो ओपन करना चाहते हैं या फिर करने वाले हैं रिसेंटली, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो शायद लंबी हो जाए बट आपको लास्ट तक देखना है, तभी आप समझ पाओगे कि क्या प्रोसेस है। इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा और इंस्टॉलेशन से लेकर मैं इसके कुछ बेसिक सेटिंग्स से लेकर कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चेंजिंग भी करूंगा इसमें, तो वो सभी बातें मैं इसमें बताने वाला हूं कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पर आपको देख रहा होगा दो फोल्डर हैं, जो यहाँ पे दोनों पे बेसिकली क्यूबेस 5 और न्यूंडो 4 का पूरा फुल सेटअप है, वेब प्लगइन्स और ऑटो ट्यून 8.1 जो भी है ईवो, तो वो सभी इस फोल्डर में है। और यहाँ से आपको पूरा प्रोजेक्ट है इसमें, तो ये पूरा प्रोजेक्ट जैसे कि एक प्रोफेशनल स्टूडियो वाले के लिए है ये वीडियो, जैसे कि आप अगर बिजनेस पर्पस से या फिर प्रोफेशनल स्टूडियो ओपन करना चाहते हैं जहाँ से आप सिंगर को गंवाना चाहते हैं, तो ये सेटअप उन्हीं के लिए है। और ऐसे बेसिकली और भी सारे ऐसे सेटअप आते हैं जिसे आप नेट से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, तो उसमें नॉर्मल बाई डिफ़ॉल्ट कुछ प्रीसेट्स होते हैं, VST वगैरह कुछ प्लगइन्स होते हैं, डिले हुआ, कंप्रेसर हुआ और भी, तो वहाँ से वो कर सकते हैं। तो यही बात है, यहाँ पे मैं ओपन किया, यहाँ पे ये फोल्डर न्यूंडो का है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइड में जो फोल्डर दिख रहा होगा आपको ये बेसिकली न्यूंडो 4 का है। यहाँ पे राइट साइड में ये जो है ये न्यूंडो 4 का सेटअप है। तो सबसे पहले इसे आपको इंस्टॉल करना होगा, ये वाला जो न्यूंडो 4 का जो सेटअप आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो सबसे पहले इसे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इसे इंस्टॉल करने के बाद में आपके जो भी सिस्टम है PC है तो वहाँ पे ये इंस्टॉल होगा। और इस पे आपको प्लगइन्स नहीं मिलेगा, VST का जो भी प्लगइन्स है उसे अलग से फिर से उसे आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस काफ़ी लंबा प्रोसेस है, लगभग आधा घंटा से लेकर 40-50 मिनट तक लग सकता है, आपके PC पे डिपेंड करता है। अगर आपका PC स्लो है तो ज़्यादा समय लगेगा, और PC अगर स्पीड है तो आपके PC में कम समय में इंस्टॉलेशन हो जाएगा। तो इसे सिंपली राइट क्लिक कर मतलब करना है, और उसके बाद में रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है, और उसके बाद में इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। और लगभग 15-20 मिनट का समय लेता है, 15-20 मिनट का, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ये जो सेटअप जो है ये न्यूंडो का जो भी है, तो इसमें काफ़ी सारे मतलब कि जैसे आप इसमें जैसे आपने बहुत सारे पहले से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा तो सेम वही प्रोसेस है इसमें भी इंस्टॉल करने का। बस सिर्फ आपको नेक्स्ट करना है, कहीं पे आपको एग्री करना है और उसके बाद में फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद में कुछ और पॉपअप आ जाएंगे, फिर उसे भी आपको मतलब कि नेक्स्ट करना है,
तो काफ़ी ये लंबा प्रोसेस है, इसे आपको जैसे करना चाहें आप कर सकते हैं, बस आप इसे नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिए और लास्ट में फिनिश कीजिए, फिर से दूसरा पॉपअप फिर से ओपन हो जाएगा, फिर उसे भी आप नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिए। तो इसे मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसलिए मैं फिर से इसे मुझे अनइंस्टॉल करके फिर करना होगा, समय काफ़ी लगेगा इस वजह से, और अभी जो है समय का काफ़ी अभाव है, तो इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि मेरा समय जो है वो बच जाए, इस वजह से मैं इसी पे बता दे रहा हूँ कि आप इस तरह से कर सकते हैं। और सबसे पहली बात है कि यहाँ पे आपका जो सिस्टम होना चाहिए वो आपको जो होना चाहिए वो कम से कम i3 प्रोसेसर होना चाहिए, तभी ये सही से वर्क होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे न्यू विंडो ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये रिसेंटली ओपन हो जाएगा बहुत ही जल्द, तो ये ओपन हो रहा है। टाइम लगता है न्यू विंडो ओपन होने में क्योंकि काफ़ी सारे इसमें प्लगइन्स को रिफ्रेश करता है ये, तो इस वजह से इस पर टाइम लगता है ओपन होने में, और हर बार जब भी आप इसे ओपन करोगे तो जितने भी VHDL प्लगइन्स होंगे तो उसे ये रिफ्रेश करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट लेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे कंट्रोल एन प्रेस करते हैं जहाँ से हम लोग न्यू प्रोजेक्ट को ले सकते हैं, और जो शुरू का जो इंटरफेस होता है कुछ इस तरह का होता है, और ये काफ़ी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट्स आते हैं सेटिंग्स, तो जो आपको कुछ सुधार करने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो अगर आपका साउंड कार्ड है तो वो सब सेटिंग करना पड़ता है, साउंड कार्ड जो भी है, तो वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं अभी न्यू ट्रैक लूँगा और वहाँ पर आपको ये समझाऊँगा। तो ये जैसे कि आपके कंप्यूटर में कम से कम 4 GB का रैम होना चाहिए, तभी आपका ये जो सॉफ्टवेयर है काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर होता है। और तो यहाँ पे न्यू फोल्डर लूँगा मैं, आपका कोई भी लोकेशन चूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक करना है, वहाँ से पहला ट्रैक स्टूडियो लेना है जहाँ पर आप सॉन्ग का ट्रैक डालते हो, और उसके बाद में आपको इसे आप यहाँ से बड़ा कर सकते हो। इसके बाद में आपको सेकेंड ट्रैक लेना है मोनो, और इसके बाद में आपको यहाँ से ये ट्रैक पे है और इसे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे ये दो ट्रैक लीजिएगा जहाँ पे एक पे ट्रैक होगा म्यूज़िक होगा और दूसरे पे वोकल को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये आपको एक और बात मैं बता दूँ कि ये जो मोनो स्टूडियो होता क्या, तो दो मोनो मिलाकर एक स्टूडियो होता है, मतलब दो मोनो मतलब राइट और लेफ्ट मिलाकर वन जो होता है एक स्टूडियो होता है। तो यही बेसिकली है, ये सभी आप समझ रहे होंगे, और नहीं समझ रहे होंगे तो वीडियो देखते रहिए मेरा, KR फिल्म से जो भी वीडियो रिलीज हो रहा है वो देखिए, आपको बेसिकली समझ में आने लगेगा बहुत ही जल्द, और मैं बहुत ही सटीक जो है वो वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाए। और एक और बात बता दूँ कि मैं जो भी वीडियो में शेयर करता हूँ वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे ई पे क्लिक कीजिएगा इफेक्ट पे, तो यहाँ पे आपको इफेक्ट का कुछ इस तरह से पॉपअप दिखेगा, यहाँ पे काफ़ी सारे इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे नो इफेक्ट्स के नीचे काफ़ी सारे इफेक्ट्स मिलेंगे, आप यहाँ से जैसे बेस हुआ ये सभी इफेक्ट्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है जो कि आपको मतलब फ्री में इतने सारे प्लगइन्स मिल जा रहे हैं, डीले डिस्ट्रेशन, उसके बाद में EQ वगैरह फिल्टर्स वगैरह मिल जाते हैं, तो इस पर आप नॉर्मली एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। और ऐसे आप अगर घर में होम स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मतलब घर पे एक लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप है उस पर अगर नॉर्मली कर रहे हैं तो वहाँ पे आप ये सब देख सकते हैं, कुछ इस तरह के प्रीसेट सेटिंग्स भी आते हैं, तो यहाँ पे इसे आप डाउनलोड करके इसे यूज़ कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके सिस्टम में आपके न्यू विंडो पे जो वेव्स का प्लगइन्स होता है वो इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आप प्रोफेशनल रूप से कर सकते हो, नहीं तो ये इस पर नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ही प्लगइन्स दिए होते हैं जो कि खास मतलब वर्क नहीं करता है, वर्क करता है लेकिन खास वो क्वालिटी नहीं आएगा। और आपको पता ही होगा कि अगर आपके स्टूडियो में अगर वोकल क्वालिटी अगर सही नहीं हो तो कोई भी सिंगर जल्दी आपके स्टूडियो में नहीं आ पाएगा, और यहाँ पे काफ़ी सारे ये हो जाता है, दिक्कतें हो जाती है। तो यहाँ पे इसके बाद में यहाँ पे मैं नेक्स्ट जो है जो भी ये है, तो ये सारी काफ़ी सारी समस्याएँ जो है वो आती रहती हैं। तो इसके बाद में यहाँ पर आता हूँ मैं और मैं इसे क्लोज़ करूँगा न्यू विंडो 4 को, और इसके बाद में आपको वेव का जो प्लगइन्स है उसे किस तरह से इंस्टॉल करना है वो मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये न्यू विंडो 4 का फुल सेटअप है यहाँ पे मेरे सामने आपके सामने,
और यहाँ पे लगभग 3-4 फोल्डर हैं जिसमें पूरे सेटअप है, जिसे यहाँ पे देख सकते हैं ये वेब का जो है ये सेटअप है। तो सबसे पहले इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा इसी वेब्स के प्लगइन्स को। तो सबसे पहले यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद में ऐड टू एडमिनिस्ट्रेटर और उसके बाद में इस पर यस क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे ये सेम उसी जो सॉफ्टवेयर है सेम दूसरे सॉफ्टवेयर की तरह ही होता है। नीचे भी नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है, इसे एग्री करना है, उसके बाद में फिर इसे नेक्स्ट करना है और इसी तरह नेक्स्ट करने के बाद में और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट किया और यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह के प्लगइन्स के यहाँ पे बहुत सारे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं, तो इन सभी प्लगइन्स पे आपको टिक करना है, सभी प्लगइन्स को सेलेक्ट करना है एक एक। तो जो भी प्लगइन्स को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उन सभी प्लगइन्स को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और जिसे आप नहीं करना चाहते हैं उसे अनटिक ही रहने दें, उसे छोड़ दें और जिसे आप करना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि आप सभी प्लगइन्स को सेलेक्ट करें क्योंकि पता नहीं कौन सा प्लगइन्स कहाँ यूज हो, कैसे यूज हो, कब काम आ जाए, तो इस वजह से सभी प्लगइन्स को इंस्टॉल ही रखें, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ज़्यादा एमबी का होता नहीं है। उसके बाद में इसे सबको सेलेक्ट कर लें और उसके बाद में आपको नेक्स्ट करना होगा। तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद में आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी प्लगइन्स हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे हैवी प्लगइन्स हैं, वेव्स के सभी प्लगइन्स हैं और काफ़ी मतलब कि अच्छा रिस्पॉन्स है। और जैसे कि वेव्स जो है वो काफ़ी बड़ी कंपनी है जो कि साउंड रिकॉर्डिंग से रिलेटेड जो है वो मतलब कि VST वगैरह बनाती है। तो सबको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जितने भी प्लगइन्स देख रहा है उसके बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करना है। और उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी मैंने प्लगइन्स को सिलेक्ट किया था वो सभी एक साथ यहाँ पे आ चुके हैं। इस बात फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इसमें लगभग आपको लगभग 15-20 मिनट का समय लग सकता है क्योंकि ये काफ़ी स्लो होता है ये प्रोसेसिंग, जो भी वेब्स का प्लगइन जो है वो काफ़ी स्लो इंस्टॉल होता है तो यहाँ पे आपको टाइम लगेगा। तो चलिए तो अब तक के लिए मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप करता हूँ, इसके बाद का प्रोसेस आगे का देखते हैं। तो चलिए यहाँ तक का जो भी प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद में यहाँ पे आपको सिंपली आप देख पा रहे होंगे ये ऑटोमेटिक कुछ और भी इंस्टॉल कर रहा है। तो आप बीच में कुछ भी छेड़छाड़ ना करें, ये जितना टाइम ले वो टाइम दे इसको आप। तो ये कुछ और भी बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप हो रहा है, ये सभी अपने आप हो रहा है जो भी है प्रोसेसिंग। और लास्ट में आप देख सकते हैं ये फिनिश का ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली फिनिश पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में ये जो है वो कंप्लीट हो गया। और इसके बाद में एक और वर्क करना है, इसके एक और फोल्डर आपको दिखेगा, इस फोल्डर में आपको जाना है और सिंपली इसे मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ। तो यहाँ पे आपको जो इसका जो वेब्स प्लगइन्स का जो यहाँ पे आपको दिख रहा है सेटअप, उसको एक बार फिर से यहाँ पे जो है उसे इंस्टॉल करना होगा। तो इसे इंस्टॉल करने के बाद में जो भी आपका जो VST प्लगइन्स जो भी है वेब्स के वो सभी मतलब कि वो कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ भी वही प्रोसेस है, यहाँ भी आपको नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन दे रहे हैं जिसे आपको अनटिक, जैसे तीन ऑप्शन टिक किया हुआ है, अनटिक किया हुआ है दो ऑप्शन, तो इसे आप भी टिक कर दें कि ये भी जो भी हो वो आपको पता चले सही से। और यहाँ पे सिंपली अदर सॉफ्टवेयर की तरह ही है, इसे भी आपको सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और जितने भी सारे आपको दिख रहे हैं ये सभी प्लगइन्स ही है और ये भी कुछ है जो कि इंस्टॉल हो रहा है। और इसके बाद में इसके भी इंस्टॉलेशन में टाइम लगता है, तो देखते हैं टाइम कितना ले रहा है ये। और आपको समय देना पड़ेगा इसके इंस्टॉलेशन को पूरा होने तक आपको, और कोशिश करें आपके PC में जो भी हो कम से कम i3 प्रोसेसर लगे, प्रोसेसर जो हो वो आपका i3 हो, क्योंकि डुअल कोर वगैरह होगा तो फिर भी फंसने लगेगा, आपका सिस्टम जो है वो लैग करने लगेगा, तो काफ़ी सारी दिक्कतें आने लगेंगी। तो ये चलिए यहाँ तक तो हो चुका है ये इंस्टॉल और कुछ ही सेकंड बचा हुआ है, तो फाइनली आपको यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करना है और ये हो चुका है और जो भी है आपका जो ये वेब प्लगइन से जो भी है वो जुड़ चुका है। तो चलिए फाइनली अब हम यहाँ से बैक जाते हैं और इसके बाद में आपको फिर से एक बार न्यू विंडो ओपन करके दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं न्यू विंडो ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप जैसे कि नीचे की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे जो देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे जो मैंने इंस्टॉल किए थे वेब्स के प्लगइन वो सभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ये
रिफ्रेश होता है जब भी आप ओपन आप करते हो किसी भी सॉफ्टवेयर को, जैसे कि प्लगइन्स के हैं तो वो रिफ्रेश लेता है। जैसे कि विंडोज में भी काफ़ी सारे बीएसटी प्लगइन्स है, वेब्स प्लगइन्स है, तो वहाँ पे ये रिफ्रेश ले रहा है और ज़्यादा समय नहीं लेता है, लगभग वही 15-20 सेकेंड का समय लेता है और इसके बाद में ये ओपन हो जाता है। अगर आपका सिस्टम फास्ट है तो जल्दी ये रिफ्रेश कर देता है और सिस्टम ग्राफिक हो तो और भी अच्छी बात है। तो यहाँ पे ये विंडो 4 है जो कि 4.3 वर्जन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस है और अब हम आपको दिखाते हैं जो भी हमने वेब्स का प्लगइन जो इंस्टॉल किए थे उसका हम लोग प्रीव्यू करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो सिंपली आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट लेना है और उसके बाद में यहाँ पे आप कंट्रोल एन प्रेस कर सकते हैं, उसके बाद में जो आपका न्यू प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे ओके, और यहाँ से आप लोकेशन चूज कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस है, आपको यहाँ पे ऐड ट्रैक करना है और यहाँ पे पहला जो है वो स्टूडियो और उसका मैं दूसरा जो ट्रैक लेना है वो आपको मोनो लेना है। तो यहीं पे इसी पे आपको राइट क्लिक करना है, उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से मोनो ट्रैक लेंगे और इसके बाद में यहाँ से आप इस पे इजीली आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसे सबसे पहले इनेबल करना होगा, इस रिकॉर्डिंग के बटन जो है यहाँ पे, इसे रिकॉर्ड को इनेबल करना होगा और उसके बाद में यहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और अभी मैं आपको दिखा दूँ जो भी इफेक्ट आज वेब प्लगइन जो भी मैंने अभी इंस्टॉल किया है वो उसको मैं दिखा दूँ। यहाँ पे आप ई पे क्लिक करना, उसमें यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे प्लगइन्स आपको दिख रहा होगा। तो ये सभी वेब्स के प्लगइन हैं और जो भी स्टूडियो वाले जो भी प्लगइन्स यूज करते हैं वो इसी यहीं से कोई ना कोई वीएसटी इफेक्ट्स अगर अप्लाई करते हैं सॉन्ग पे। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा आपको देखने को और यहाँ पे आप जो भी चाहें जो भी आप यहाँ से इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं और यहाँ पे प्रीसेट दिए गए हैं काफ़ी सारे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं जो भी आपको आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आप वोकल क्रिएट करते हैं और इस पर आपको समय देना होगा। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आपको सिंगर के वोकल को समझना होगा और इसको समझने के बाद में आप इसे कर सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पे आपको ऑटो ट्यून जो है वो अलग से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो भी आपको उसी फोल्डर में मिल जाएगा जो फोल्डर में जो है वो इसी फोल्डर में मिल जाएगा, लेकिन उसे ऑटो ट्यून अलग से अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे देख लिया आपने ये काफ़ी सारे जो है वेब्स के प्लगइन जो है वो यही है। और इसके बाद में यहाँ पे फोल्डर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ ऑटो ट्यून का जो है वो भी आपको इसी फोल्डर में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि 8.1 है ईवो। तो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन भी मिल जाएगा ऑटो ट्यून का, तो उसे आप अलग से इंस्टॉल कर ले और वहाँ पे जैसे इंस्टॉल करोगे तो वो फिर से आप इसे क्लोज करके खोलोगे विंडो 4 को, तो वो ऑटोमेटिक वो भी वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। वहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, बस आप इसे इंस्टॉल कर दो, उसके बाद फिर से आप विंडो 4 को क्लोज करके फिर से जैसे ही आप ओपन करोगे तो वो ऑटो ट्यून भी आपका आ जाएगा वहाँ पे। तो यही सब प्रोसेस है आपको। और मैं चलिए, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा इसका, नेक्स्ट ट्यूटोरियल। और आपने इस वीडियो में सीखा किस तरह से इंस्टॉल करते हैं और किस तरह से इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वोकल पे एक्सपीरियंस करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। तो प्लीज़ आप अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कम से कम इस वीडियोस पे 1000 लाइक आने चाहिए तभी मैं और भी अच्छा वीडियो चलाऊँगा। और चलिए तो पहले आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लव यू ऑल, सी यू अगेन, लव यू, बाय।